जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासिकल जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा 14 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर का सेकंड पेपर जीके और जीएस का हुआ है, उसके 100 प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आने वाली परीक्षाएं जैसे पटवारी, रीट और ग्राम सेवक सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर 2021 को जो सेकंड पेपर जीके और जीएस का हुआ है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें कथन दे रखा है और अवधारणाएं दे रखी हैं। कथन की यदि हम बात करें तो इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। यह कथन दे रखा है, जिसकी 3 अवधारणाएं दी गई हैं। दोस्तों, अवधारणाओं की यदि हम बात करें तो पहली अवधारणा दे रखी है, बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। दूसरी अवधारणाएं दे रखी हैं, वो लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, उनको राहत शिविर में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। तीसरी अवधारणाएं दे रखी है, अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके। इन तीनों अवधारणाओं के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सी अवधारणाएं सही हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। केवल अवधारणा फर्स्ट और अवधारणा थर्ड, जी हाँ दोस्तों, पहली और तीसरी अवधारणा इसमें अंतर्निहित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, जिसमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, अभिकथन की यदि हम बात करें तो पत्तियों का रंग हरा है, यह अभिकथन है और उसका कारण दे रखा है, क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक होता है। जी हाँ दोस्तों, अभिकथन दे रखा है, पत्तियों का रंग हरा है और कारण दे रखा है, क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। यदि सही विकल्प चुने इसमें तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। जी हाँ दोस्तों, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों ही सत्य हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर्स थे। जी हाँ दोस्तों, फुकुशिमा दाइची जापान में जो न्यूक्लियर त्रासदी हुई थी, उसमें प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर्स कौन से थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, जिसमें आयोडीन 131 एवं सीजियम 137 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, जिसमें आकृति दे रखी है, उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि पहला ऑप्शन की हम बात करें तो उसमें 30 दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में 16 दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में 15 दे रखा है और चौथे ऑप्शन में 18। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्याओं की यदि संख्या देखें हम, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 16। जी हाँ दोस्तों, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 16। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। सीरीज दे रखी है, जिसमें 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36 और 18 उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसके स्थान पर क्या आएगा? एक तरीके से सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 48। जी हाँ दोस्तों, 48 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिसमें एक निश्चित कूट में 134 का अर्थ बताया गया है, 478 का अर्थ बताया गया है और 729 का अर्थ बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा अंक देखे के लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों, इसको सोल्व करने के बाद इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 8। जी हाँ दोस्तों, 8 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, रीजनिंग से रिलेटेड, जिसमें एक परिवार के 6 सदस्यों के बारे में बताया गया है और बी और बी का सी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, तियानोंग है, जी हाँ दोस्तों, तियांगोंग है, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है चंद्रमा पर उतरने का चीन का अभियान, तीसरा ऑप्शन दे रखा है चीन का नव प्रक्षेपित अंतरग्रह अभियान और चौथा ऑप्शन दे रखा है मंगल पर उतरने का चीन का अभियान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, चीन का नव प्रक्षेपित अंतरग्रही अभियान इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जिसमें
सीरीज दी गई है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा, 2/N इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दो व्यक्तियों का ए तथा बी की आय का अनुपात दे रखा है, उनके व्यय का अनुपात दे रखा है तथा ए तथा बी की बचत दे रखी है 2400 रुपये तथा 2000 रुपये और ए की आय पूछी है रुपयों में, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22400। दिया दोस्तों 22400 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या दे रखी है और इसमें से इतने पुरुष और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यदि 70% पुरुष शिक्षित हों तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज दर क्या होगी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 15%। जी हाँ दोस्तों, 15% इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, के कुमार मंगलम, के कस्तूरी रंगन, ई श्रीधरन और के करुणाकरण, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो इसका सही उत्तर होगा, के कस्तूरी रंगन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, भारत रत्न मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंध है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर से इनका संबंध है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2021 में जिसे बंद कर दिया गया है तालचर थर्मल पावर प्लांट, वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, सुशील चंद्रा को जो है भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किसके द्वारा जारी किया गया है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा जारी किया गया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा या नीति आयोग द्वारा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो इसका सही उत्तर होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई है। जी हाँ दोस्तों, डेट पूछी गई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 मई 2021 से। जी हाँ दोस्तों, 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद के बारे में पूछा गया है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जेरूसलेम में। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेरूसलेम, इस्तांबुल, काबुल और गाजा पट्टी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, जेरूसलेम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित खतनों को पढ़िए, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 खतन दे रखे हैं, योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे, दूसरा खतन दे रखा है, ऐसे अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपये दिए जाएंगे, इसका सही विकल्प चुनना है,
ए ऑप्शन दे रखा है केवल बी सत्य है, दो ऑप्शन दे रखा है दोनों कथन ए तथा बी सत्य है, तीसरे ऑप्शन में केवल ए सत्य है, चौथा ऑप्शन में न तो ए सत्य है न बी सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर होगा केवल ए सत्य है। जी हाँ दोस्तों केवल ए सत्य है। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1,00,000 रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली गई है वह है। जी हाँ दोस्तों कौन से क्रेटर की जो है तस्वीर ली गई है, जिसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, कलाम क्रेटर, भाभा क्रेटर, साराभाई क्रेटर और रमन्ना क्रेटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन साराभाई क्रेटर। जी हाँ दोस्तों साराभाई क्रेटर इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कोविशेल्फ क्या है। जी हाँ दोस्तों कोविशेल्फ के बारे में पूछा गया है। टीकाकरण के पंजीयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया पोर्टल, कोविड 19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर रेडिस द्वारा लेब द्वारा विकसित नई कोविड 19 वैक्सीन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है DRDO द्वारा विकसित कोविड 19 रोधी औषधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन दो इसका सही उत्तर होगा, कोविड 19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है IT नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है, जिसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेहतर संपादा कर संग्रहण हेतु भूमि एवं स्वामित्व की डिजिटल मैपिंग, तीसरा ऑप्शन दे रखा है GPS आधारित व्यवस्था जो सड़क पर प्रत्येक वाहन को चिन्हित करेगा, चौथा ऑप्शन दे रखा है एक अद्वितीय डिजिटल पहचान चिन्ह जो प्रत्येक डिजिटल यंत्र पर चोरी रोकने हेतु लगाया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा, किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर होगा सात। जी हाँ दोस्तों भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या सात है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था। जी हाँ दोस्तों मानगढ़ नरसंहार के बारे में पूछा गया है, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था, चार ऑप्शन दे रखे हैं 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1911 ईस्वी और 1913 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चार। जी हाँ दोस्तों 1913 ईस्वी में मानगढ़ नरसंहार हुआ था, 1913 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था, चार ऑप्शन दे रखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन दो रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन तीन दे रखा है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन चार दे रखा है स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर चलो का नारा दिया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है बनी ठनी चित्र की शैली का है। जी हाँ दोस्तों बनी ठनी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कई बार राजस्थान के एग्जाम में इसको इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है बनी ठनी के बारे में, किस शैली का है, बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़ या बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो किशनगढ़। जी हाँ दोस्तों किशनगढ़ शैली का है बनी ठनी चित्र, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो किशनगढ़। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। जी हाँ दोस्तों मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया, चार ऑप्शन दे रखे हैं हाकिम, मनसबदार, सेनापति या प्रधान, किस पद पर उनको जो है नियुक्त किया गया था मारवाड़ से निष्कासन के बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो मनसबदार। जी हाँ दोस्तों मनसबदार इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है, चार ऑप्शन दे रखे हैं कोटा, आमेर, बूंदी या मेवाड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चार मेवाड़। जी हाँ दोस्तों अटपट्टी पगड़ी चित्रकला मेवाड़ शैली से संबंधित है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या बनवाली से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन कालीबंगा से। जी हाँ दोस्तों कालीबंगा से ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन कालीबंगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तिथि पूछी गई है, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया, या श्रावण शुक्ल तृतीया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, भाद्रपद कृष्ण तृतीया इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। जी हाँ दोस्तों, बख्तरबंद दुर्ग कहा है किस दुर्ग को अबुल फजल ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, रणथंभौर। जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति का संबोधन कब किया था। जी हाँ दोस्तों, डेट पूछी गई है और ये सन पूछी गई है, कौन सी सन को सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 6 जुलाई 1945 को। जी हाँ दोस्तों, 6 जुलाई 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। चार ऑप्शन दे रखा है, चनुद्रो में, कालीबंगा में, या मोहनजोदड़ो में, या लोथल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कालीबंगा में। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा में अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हीरालाल शास्त्री, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, या जयनारायण व्यास। राजस्थान में लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, जयनारायण व्यास। जी हाँ दोस्तों, जयनारायण व्यास को राजस्थान में लोकनायक के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन 2 दे रखा है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 3 दे रखा है, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। और ऑप्शन 4 दे रखा है, केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर होगा, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व के सर्वोच्च पठार के बारे में पूछा गया है, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अरब का पठार, तिब्बत का पठार, भारत का दक्षिण का पठार, या टर्की का पठार। इन चारों में आपको बताना है विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, तिब्बत का पठार। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वोच्च पठार है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लार्च, महोगनी, स्प्रूस और फर। इन चारों में आपको बताना है कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, महोगनी। जी हाँ दोस्तों, महोगनी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, 1734 ईस्वी में आहूत हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कब की गई। जी हाँ दोस्तों, हुड्डा सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, 1734 ईस्वी में आहूत हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की जोरावर सिंह, या जगत सिंह ने, या सवाई जय सिंह ने, या दुर्जन साल ने। किसने जो है हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, जगत सिंह इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, नाइनार कौन थे। जी हाँ दोस्तों, नाइनार के बारे में पूछा गया है, नाइनार कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वैष्णव संत, ईसाई संत, शैव संत, या सिख संत। इनके बारे में आपको बताना है नाइनार कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, शैव संत। जी हाँ दोस्तों, शैव संत नाइनार थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आगरा नगर की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, बहलोल लोदी, या सिकंदर लोदी। चारों में बताना है आगरा नगर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। उसने मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में। जी हाँ दोस्तों, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, किस प्रकार के लोह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार के लोह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मैग्नेटाइट। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटाइट में जो है लोह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, कौन सा लोह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई या राउरकेला। चारों में आपको बताना है कौन सा लोह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, दुर्गापुर। जी हाँ दोस्तों, दुर्गापुर इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मरमारा सागर के मध्य स्थित है एजियन सागर एवं काला सागर, आयोजन सागर या एवं लेवंटन सागर या आजोब सागर, एजियन सागर या मायरोतन सागर या एवं क्रीट सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, एजियन सागर एवं काला सागर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बर्मिंगम प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बर्मिंगम के बारे में पूछा गया है, बर्मिंगम किसके लिए प्रसिद्ध है, लोह एवं इस्पात उद्योग के लिए या एल्यूमिनियम उद्योग के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चौथा ऑप्शन दे रखा है, विद्युत यंत्र के लिए। तो दोस्तों बर्मिंगम की यदि बात करें तो बर्मिंगम ऑप्शन ए लोह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, भोरघाट, पश्चिमी घाट, थालघाट या पालघाट। कौन सा जो है भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, भोरघाट। जी हाँ दोस्तों, भोरघाट इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा रबड़ का उत्पादन नहीं करता है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा जो है रबड़ का उत्पादन नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में रबड़ का उत्पादन नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के बारे में पूछा गया है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, 1968 से जो है इन्होंने चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिलाया, कोयली मथुरा, मुंबई अंकलेश्वर या नाहरकटिया, नूनमती बरौनी, हजीरे विजयपुर या जगदीशपुर। ये कौन सी जो है पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये केवल गैस का परिवहन करती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मुकंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, मुकंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, बोराट फटार में, छप्पन के मैदानों में, हाड़ौती फटार में, अरावली पहाड़ियों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, हाड़ौती फटार में। जी हाँ दोस्तों, मुकंदरा पहाड़ियाँ ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, हाड़ौती फटार में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। इसमें से किस जिले के लिए जो है सोम अमला कंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, डूंगरपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस खनिज से सीमेंट चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, एस्बेस्टोस। जी हाँ दोस्तों, एस्बेस्टोस को इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कौन से अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 57 देखें तो उसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से दे रखी है, जिसमें मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें एक तरफ भारतीय संविधान के प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ विदेशी संविधान से ग्रहण किए गए, कौन से जो है ग्रहण किया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कौन से देश से ली गई है, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत और आवश्यक शक्तियाँ। तो दोस्तों चार ऑप्शन यदि हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 1 के अनुसार यदि हम देखें
ऑप्शन ए को यदि हम देखें तो ऑप्शन ए के अनुसार दे रखा है विधि निर्माण की प्रक्रिया जिसमें जो कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से ली गई है, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत जो कि फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आरएसएसजेई में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, नागौर, उदयपुर, पाली और सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है राजस्थान में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? जी हाँ दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कौन कौन से में है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, या बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है जिसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, कथन दे रखा है, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र की एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यह कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का, के एम मुंशी का, प्रोफेसर के सी वियर का, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार पर समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर होगा, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। जी हाँ दोस्तों, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर होगा, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव द्वारा दी गई लिखित सूचना के आधार पर जो है बुलाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पारित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन चार, 6 वर्ष का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, हरदेव जोशी। जी हाँ दोस्तों, हरदेव जोशी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, राज्यपाल द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल द्वारा इसका सही उत्तर होगा, राज्यपाल द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, महिला घरेलू हिंसा को रोकना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है महिला बेगारी प्रथा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बाल अपराध, और चौथा है यौन उत्पीड़न को रोकना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, यौन उत्पीड़न को रोकना। जी हाँ दोस्तों, यौन उत्पीड़न को रोकना इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है,
यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? ऑप्शन एक लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन दो राज्यसभा के उपसभापति को, ऑप्शन तीन दे रखा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, और ऑप्शन चार दे रखा है उपराष्ट्रपति को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है यदि भारत का उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति किसे अपना जो है त्याग पत्र देगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक लोकसभा के अध्यक्ष को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो प्रथम अपील, द्वितीय अपील या तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस दे होगी, ये संबंध सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है निम्नांकित में कौन सी राज्यपाल के पद पर शर्तें हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी सदन का, किसी राज्य विधानमंडल किसी सदस्य नहीं होगा, या वह अन्य कोई लाभ धारण नहीं करेगा, या वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। कौन सा इसमें सही उत्तर होगा? तो दोस्तों यदि ऑप्शनों की यदि हम बात करें तो इसका केवल ऑप्शन एक, जी हाँ दोस्तों, केवल सेकेंड और थर्ड इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक 10%। जी हाँ दोस्तों, 10% इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ता की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती हैं, सामूहिक अवधारणाएं, ऑप्शन दो दे रखा है उपयोगिता उन्मुख आवश्यकताएं, ऑप्शन तीन है मेरिट आवश्यकताएं, और ऑप्शन चार है सामाजिक आवश्यकताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो उपयोगिता उन्मुख आवश्यकताएं। जी हाँ दोस्तों, उपयोगिता उन्मुख आवश्यकताएं इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 नरसिम्हन समिति संबंधित है, कर संरचना सुधार या नियोजन क्रियान्वयन सुधार, उच्च शिक्षा सुधार या बैंकिंग संरचना सुधार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चार बैंकिंग संरचना सुधार। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग संरचना सुधार इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? जी हाँ दोस्तों, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यदि 12वीं पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर होगा अधिक तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास। जी हाँ दोस्तों, अधिक तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है सामाजिक न्याय संतुलन है समाज एवं व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति एवं परिवार के मध्य, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, मूल अधिकार एवं न्याय प्रणाली के मध्य? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन न्याय व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों के सभी श्रेणियों के लिए केंद्र एवं राज्य की जिम्मेदारी का क्या अनुपात है? अनुपात यदि यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चार 60 और 40। जी हाँ दोस्तों, 60 और 40 का अनुपात है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की यदि बात करें तो 60 और 40 का इसमें अनुपात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की पहली योजना किसे संबंधित है? उपभोक्ता के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण, वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करवाना, विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण या बालिका शिक्षा संवर्धन? किस योजना से संबंधित है भारत सरकार की पहली योजना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? शिक्षा, पर्यावरण की स्थिति, जीवन स्तर या जीवन प्रत्याशा? कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक नहीं है, उसका सूचक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो पर्यावरण की स्थिति। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है जिनका जन्म कौन सी तारीख के पहले या उसके बाद हुआ जो वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, पहली तारीख या उसके बाद वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर होगा मई 2016। जी हाँ दोस्तों, मई 2016 या उसके बाद जिनका जन्म हुआ है वो इसकी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81
क्वेश्चन नंबर 81 है, लेखांकन में समाहित है आंकड़ों की संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, लेन देन पर नजर रखना, वित्तीय जानकारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए तथा सी। जी हाँ दोस्तों, ए तथा सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्रदान किए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 82 झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। यदि जिला की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 झालोर। जी हाँ दोस्तों, झालोर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है नशे के आदियों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदाय हेतु। जहाँ दोस्तों राजस्थान में नवजीवन योजना अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों तथा समुदाय हेतु प्रारंभ की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है हड्डी, अमीनो अम्ल, कैराटीन या दांत का इनेमल। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 दांत का इनेमल। जी हाँ दोस्तों, दांत का इनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। थार पारकर किस पशु की नस्ल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 गाय। जी हाँ दोस्तों, गाय इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण, कर और बैंक दर। तो दोस्तों यदि 88 की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बैंक दर। जी हाँ दोस्तों, बैंक दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्थायित्व बढ़ाने के लिए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ग्लाइकोजन। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, मानव शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती हैं। गैसों के नाम दिए गए हैं, यदि इनमें यदि हम बात करें चार ऑप्शन के अंदर हम देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों अभी करनगर टोंक इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, गाजर, सलजम, आलू और मूली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आलू। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बिट। जी हाँ दोस्तों, बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन। जी हाँ दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन आप सभी को पता है, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 विटामिन B1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है निम्न में कौन सा रसायन एलर्जी की क्रिया के दौरान मुक्त होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिस्टामिन, गंधकामल, एस्ट्रोसेप, हेप्टेन और हिपेरिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 हिस्टामिन। जी दोस्तों, हिस्टामिन इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। शिनया यामानाका, हिरोशी किमुरा या नोरियो तनिगुची या योशिनोरी ओहोमुत्सु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, नोरियो तनिगुची इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ स्थित है। पिलानी, नई दिल्ली, लखनऊ या अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 पिलानी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ओम। जी हाँ दोस्तों, ओम इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 14 सितंबर 2021 को RPSC द्वारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आयोजित करवाया गया, जिसमें GK और GS के 100 क्वेश्चन पूछे गए। उन 100 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।